चलिए आज एक और नई बच्ची से मिलते हैं, नाम है फलक, जिनकी ऑल इंडिया 4-1 रैंक है और इनको एनआईटी भोपाल मिला है, साथ में ही इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन्स भी मिला है और इन्होंने आईजीटीयू में ही एडमिशन लिया। तो फलक, पहले तो आपको दोनों कॉलेजेस के लिए, क्योंकि आपको एनआईटी भोपाल भी मिला, इंदिरा गांधी टेक्निकल कॉलेज भी मिला, ये दोनों ही बहुत अच्छे कॉलेज थे और आपने फाइनली इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी डिसाइड किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप फरीदाबाद से हैं और आपने उस कॉलेज को ज्वाइन करा है, तो इन दोनों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम फलक हसीजा है एंड मैं फरीदाबाद में ही रहती हूँ। मैंने सर का कोर्स ऑनलाइन ही ज्वाइन किया था लास्ट ईयर अराउंड दिसंबर में, एंड उससे पहले मैंने सर की यूट्यूब वीडियोस देखी थी जो कि लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग थी मेरे लिए। बहुत ज्यादा सर बहुत अच्छा बोलते हैं एंड द वे ही मोटिवेट्स एवरीवन बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बेस्ट है वो चीज। एंड उसके बाद मैंने दिसंबर से रूटीन में पढ़ाई स्टार्ट करी। क्लासेस होती थी रोज सुबह 8 बजे, प्रतीक सर की होती थी, देन 4 बजे सर की होती थी। तो मतलब पूरा दिन ऐसे बीत जाता था कि बस पता ही नहीं चलता था और एकदम एक्साइटमेंट में पढ़ते थे, बहुत खुशी खुशी। ऐसी कोई कभी ऐसे बर्डन वाली फीलिंग नहीं आई कि हाँ इतना करना है, ये करना है, वो करना है। प्रतीक सर सब बहुत सपोर्टिव रहे हैं स्टार्टिंग से। तो फलक, एक बात बताइए मुझे, जैसे आपको एनआईटी भोपाल भी मिला और आईजीटीयू भी मिला आपको, तो ये थोड़ा डिसीजन लेने में आपको जो मुश्किल आई होगी, उसके लिए कैसे डिसीजन लिया? और अब आप क्योंकि इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं वुमेन्स में, तो कई गर्ल्स जो कि कंफ्यूज होती हैं या जो सोचती हैं कि क्या करना चाहिए, लेना चाहिए कि नहीं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? क्योंकि अब तो आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो पहले तो मुझे बताइए डिसीजन कैसे लिया और फिर अब कॉलेज में कैसे लग रहा है आपको? सर डिसीजन तो यही था कि मतलब पहले भोपाल मिला एंड देन फिर आईजीडीटीयू तो पहले ही मिल चुका था मुझे, फिर भोपाल अब काउंसलिंग के बाद मिला। तो फिर मैंने आपको ही मैसेज किया था कि मतलब मैं कौन सा सजेस्ट करते हो आप, तो फिर आपने भी यही बोला कि आईजीडीटीयू में ही रहो क्योंकि एक तो एक साल बच जाएगा मेरा एंड फिर प्लेसमेंट्स का तो सर यही होता है कि कॉलेज में जाने के बाद ही अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ यू टेक इट, तो वही चीज है। तो इसीलिए फिर आपने भी यही सजेस्ट करा और फिर मतलब मेरा एक साल भी बच रहा था तो फिर आईजीडीटीयू ही मेरे को बेटर लगा। और बाकी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी बहुत एनआईटी के इक्विवेलेंट ही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब काफी सारे टेक्निकल सेल्स बने हुए हैं, काफी सारे कोडिंग अपॉर्चुनिटीज हैं, इतने हैकेथॉन्स होते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज एक के बाद एक आती ही जा रही है, यहाँ पे कोई कमी नहीं है। और ऑनलाइन क्लासेस में फैकल्टी भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है, कोई मतलब ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि असाइनमेंट्स देने हैं, बहुत ज्यादा मतलब अच्छे लेवल पे अच्छे थिंकिंग के साथ पढ़ाई होती है यहाँ। तो मतलब आपको बहुत अच्छा मजा आ रहा है इस कॉलेज में? हाँ जी सर बिल्कुल, ऐसा कुछ तो ये अच्छी बात है। अच्छा, आपने ये जो प्रिपरेशन किया था फाइनल ईयर के साथ किया था? हाँ जी सर, मैं फाइनल ईयर के साथ ही किया था, फ्रेशर। फ्रेशर हो आप, तो फ्रेशर बच्चों के साथ कई बार प्रेशर भी होता है, कई बार माइंड में ये भी होता है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और स्पेशली गर्ल्स के ऊपर कई बार और भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आपका ऑनलाइन का एक तो एक्सपीरियंस क्या रहा और आपने दोनों चीजों को कैसे मैनेज किया बेटा? सर ऑनलाइन के साथ तो सर यही था कि जैसे कॉलेज तो ऑनलाइन हो गए थे मेरे फेब से ही, तो फिर स्टार्टिंग मतलब थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई, फेब से धीरे धीरे आरडी शर्मा स्टार्ट करी मैंने लास्ट ईयर 2020 से, थोड़ी आरडी शर्मा करी, थोड़ी थोड़ी बहुत कम पढ़ती थी मैं उस टाइम पे क्योंकि कॉलेज के असाइनमेंट्स ही बहुत सारे होते थे। फिर दिसंबर में जैसे एग्जाम्स हो गए मेरे फिफ्थ सेम के, थर्ड ईयर के, तो उसके बाद मैंने फिर आपकी वीडियोस देखी, आपके थ्रू मतलब बात हुई मेरी, तो फिर मैंने कहा चलो ले लेते हैं। बट फिर आपकी क्लासेस भी इतनी कोई हेक्टिक नहीं लगती थी मुझे, सुबह 8 बजे होती थी एक, फिर उसके बाद 9 से 2-3 बजे तक मेरी कॉलेज की क्लास होती थी, देन आपकी फिर 4:30 पे होती थी, तो इतना कुछ हेक्टिक नहीं होता था। और एक तो ऑनलाइन भी था वो कॉलेज का, तो इतना कुछ मतलब प्रॉब्लम नहीं आई एज सच। और फिर आप लोग भी मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते थे कि ऐसा नहीं होता था कि फिर से बैठ के पढ़ना है, एक बार पढ़ लिया उसके बाद बस डीपीटी सॉल्व करी एंड खत्म, ऐसा कुछ नहीं होता था कि बार बार पढ़ते ही रहना है उस चीज को, वो दिमाग में बैठ ही जाता था। आप इतनी बार सम करवाते थे, इतनी बार सॉल्व करवाते थे, वो चीज दिमाग में रह ही जाती थी। इम्पिटस की क्लासेस को इसीलिए कई बच्चे बोलते हैं कि ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन जैसा फील नहीं आता, क्लासरूम जैसा ही फील आता है। हाँ सर बिल्कुल वही चीज है। अच्छा, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर में होते हैं कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे और ऑनलाइन में पढ़ाई हो पाएगी कि नहीं, तो आपका क्या सजेशन होगा, आप क्या बच्चों को मैसेज दोगे अपने?
सर मैं तो बस यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो फटाफट प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज कंपटीशन अब डे बाय डे बढ़ रहा है, एमसेट में भी काफी ज्यादा स्कोप भी है एमसीए में, एंड अगर शरद सर की गाइडेंस में रहोगे तो मुझे तो नहीं लगता कि एनआईटी नहीं मिलेगा. और मतलब एनआईटी क्या, आईजीडीटीयू का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, हमेशा से ये था कि एनआईटी जाना है, बट फिर आईजीडीटीयू भी मिल गया तो फिर ऐसा हुआ कि वाओ, मतलब एकदम ही पलट गया सब कुछ. ऐसा था ही नहीं कि एक कॉलेज का ही ऐसा था कि यही मिल जाए बस, पर इधर दो दो ही मिल गए. तो फिर मैं तो यही कहूंगी कि मतलब इम्पीटस ही ज्वाइन करो एंड प्लीज फटाफट से लाइक स्टार्ट कर दो, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिशन हाई हो रहा है. चलो बहुत ही अच्छी बात बोली पलक मित्रा, आप ऐसे ही आगे बढ़ो, वहां पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म करो और अच्छे सा प्लेसमेंट लो. और जो बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, मिसगाइड होते हैं, उनको भी प्रॉपर गाइडेंस दो, मोटिवेट करो, और आप खुद भी ऐसी मोटिवेट रहो. अभी आपसे बात करके बिल्कुल अलग से दिख रहा, आप काफी हाईली मोटिवेट भी हैं और खुश भी हैं, ऐसे ही खुश बने रहना. थैंक यू सर. सर आपकी मतलब बातें, मतलब कुछ कुछ बातें मुझे याद भी है, हमेशा कहते थे कि तुमने ही करना है और कोई नहीं करेगा, तुमने ही करना है, तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी याद है आपकी आज भी कि हमेशा इम्प्लीमेंट करती हूँ. आप इतना खुशी से पढ़ाते थे ना, मैं तो ऐसे सोचती थी कि कोई इतना ज्यादा मतलब हैप्पी होके कैसे पढ़ा सकता है, कैसे वो कर सकता है, तो आपसे ही मिला है सर ये. चलो अब ऐसे हैप्पी रहना, बहुत अच्छी बात है. आप बच्चे हैप्पी रहते हो ना, जब बच्चे खुश होते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो टीचर को खुशी होती है. मुझे वही खुशी हर साल रहती है, क्योंकि मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो सोचता हूँ ये सब बच्चे अभी अच्छी रैंक लाएंगे, फिर ये अगले साल अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, फिर जूनियर्स आएंगे, तो वो मुझे मोटिवेशन मिलता है. आप मुझे देख के होते हो, मैं बच्चों को देख के होता हूँ, यही सब चीजें होती हैं. तो बहुत मजा आया आपसे बात करके. अब ऐसे ही आप खुश रहिए और आगे बढ़िए. ऑल द बेस्ट वंस अगेन एंड कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच.